दोस्तों फाइनली ग्रेट एक्टर आर माधवन की अपकमिंग मूवी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। दोस्तों ये जो मूवी है ये एक बायोपिक मूवी होने वाली है। दोस्तों उस मूवी से रिगार्डिंग एक पोस्टर आउट हुआ है। दोस्तों उसके रिलीज से रिगार्डिंग एक हिंट मिला है जिसको मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष हूं, बात करने वाला हूँ आर माधवन की अपकमिंग मूवी जी डी नायडू के बारे में। नज़र डालूंगा उसी तक की सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट ट्रेलर के बारे में। मैं दोस्तों आप आर माधवन सर के बिग फैन है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी से रिगार्डिंग एक पोस्टर आउट किया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब इस पोस्टर को देखकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को मित्रान आर जहा डायरेक्ट करते नजर आने वाले हैं। और मतलब आर माधवन की लास्ट बायोपिक द नाम्बी इफेक्ट करके जो मूवी आई थी उसी सेम प्रोडक्शन से इस मूवी को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, दोस्तों ये मूवी एक बायोपिक मूवी होने वाली जी डी नायडू के अराउंड। दोस्तों वो एक तरीके से इंजीनियर थे जिन्होंने इंडिया के फर्स्ट इंडिजियस मोटर को इन्वेंट किया था। दोस्तों किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है, क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करने को मिलती है और क्या उनकी लाइफ जर्नी होती है, ये सब इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के मूवी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल मूवी होने वाली जो कि फुल ऑफ इमोशंस के और ड्रामा के अराउंड होने वाली है। तो दोस्तों आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों मेकर्स ने फिलहाल तो आर माधवन सर की ही अनाउंसमेंट करी है। इन फ्यूचर कोई भी अनाउंसमेंट होगी थी स्टार कास्ट को लेकर तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों मेकर्स ने रिलीज से रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पोर्टल और लेटेस्ट अपडेट से ये पता चलता है कि मूवी आपको नेक्स्ट ईयर 2024 तक ही देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाओ आर माधवन सर की एक और अपकमिंग बायोपिक मूवी के लिए जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस मूवी से रिगार्डिंग। दोस्तों इन फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी इस मूवी से रिगार्डिंग तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं दोस्तों वीडियो कैसे लेगी जानकारी कैसे लेगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।